और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो अभी आपने देखा होगा, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत का यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। इस बजट के बारे में इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूनियन बजट एग्जैक्टली क्या होता है और वो किस तरह से पास होता है एक नॉर्मल गवर्नमेंट सिनारियों के अंदर। तो इसके साथ ही यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2020-21, पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर यूनियन बजट नाम से कुछ नहीं है। इसको एक्चुअली एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स कहा जाता है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया का जो टोटल अकाउंट है उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मेरे पूरे साल में खर्चा कितना हो रहा है और कमाई कितनी हो रही है, यानी एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितनी है, उसका पूरी चीज के बाद में जो बचता है वो मेरे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पड़ा रहता है, जो सरकार यूज करती है पूरे देश को चलाने के लिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 112 के अंदर आता है। आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है और उसी के अंदर ये कहा गया है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहा है तो वही रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उनको ये पावर है कि वो बजट को प्रेजेंट करें और रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूनियन बजट के लिए। आर्टिकल 77(3) के अंदर ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट द्वारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को कि वो उनके बिहाफ पे ये बजट को प्रिपेयर करें और पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर हो गई कि एक तो रिस्पॉन्सिबल कौन है बजट के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है बजट पार्लियामेंट के अंदर। अब बजट प्रेजेंट हो गया। बजट प्रेजेंट होने से पहले इसकी तैयारी करीब 6 महीने पहले चालू हो जाती है। 6 महीने पहले कैसे चालू हो जाती है कि बजट को आप ये समझिए कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना खर्चा और इनकम है, तो हर एक डिपार्टमेंट से उनका एक्सपेंडिचर और इनकम मंगाया जाता है, उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है कि आपने इस साल में कितना खर्चा किया, कितनी कमाई की, अगले साल के लिए प्रपोज खर्चा आपको कितना चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, ये मंगाने के बाद में इसको कंसोलिडेट करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स के लेखे जोखे के ऊपर बजट प्रिपेयर नहीं होता, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इनके स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं, इंडिया की फील लेते हैं कि भाई किसान क्या कह रहा है, या नॉर्मल इन्वेस्टर क्या कह रहा है, या बिजनेसमैन क्या कह रहा है, और वो व्यू या सेंटिमेंट प्लस आपका जो डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आई है उन्हें क्लब करके एक मीटिंग रखी जाती है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बजट को फाइनली फ्रीज करते हैं। जब फाइनली बजट फ्रीज हो जाता है तो आपके जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग करते हैं, डेट फिक्स करते हैं। डेट जनरली सेम रहती है आपके किसी भी साल में बजट प्रेजेंट करने की, जो कि 1 फरवरी किसी भी ईयर की होती है। अभी से इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि चेंजेस क्या क्या आए हैं बजट्स की डेट और टाइम के अंदर, तो अभी ये लेके चलते हैं कि 1 फरवरी होती है, डेट फ्रीज होती है और पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाता है। पार्लियामेंट में जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो इसके दो रूप होते हैं, अलग अगर इलेक्शन ईयर नहीं है तो नॉर्मल बजट की तरह प्रेजेंट किया जाएगा, और ये बजट फाइनलाइज होते होते आपको 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि ये बजट फरवरी में प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर या इंडिया का नया फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से चालू होगा, तब तक पूरा बजट डिस्कशन के बाद फ्रीज हो जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि तभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा निकाल पाओगे। अगर ये नहीं होता है अप्रूव तो नहीं निकाल पाओगे।
अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो 2-3 महीने का पीरियड है यानी फरवरी और मार्च का, इसके अंदर अगर खर्चा हुआ तो कैसे करोगे आप? क्योंकि आपने तो बजट प्रेजेंट कर दिया, कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। तो इसके लिए होता है आपका वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट एक बिल या प्रपोजल की तरह है जो लोकसभा में पास किया जाता है बाई सेपरेट मिनिस्ट्रीज के कंसोलिडेशन से, कि भाई हमें 2 महीने के लिए सरकार चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए। और ये वोट ऑन अकाउंट जब प्रेजेंट किया जाता है, इस पे जनरल डिस्कशन होता है और प्रेसिडेंट इसको फाइनली अप्रूव करता है, फिर आप वो पैसा निकाल सकते हो। अब हमारा बजट प्रेजेंट हो गया फरवरी के अंदर, राज्यसभा इसके ऊपर डिस्कशन कर सकता है, डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। फाइनली जब सारा डिस्कशन पूरा हो जाता है तो लोकसभा के अंदर इसके फाइनलाइजेशन के लिए आपके 2 बिल आते हैं। एक आता है आपका अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है कि सब चीजें हो गई हैं, सारी चीज कंसोलिडेट हो गई है, ये बिल इसका फाइनल रिजल्ट है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, वो पास कर दिया जाता है। फिर आपका फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है जिसके ऊपर बहुमत से पास होना जरूरी है, लोकसभा उसे पास करती है। और फाइनली 1 अप्रैल से हमारा पूरा जो एस्टिमेटेड खांचा है यूनियन बजट में वो इंप्लीमेंट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल और आपका बजट, इनको किस तरह से फ्लो में आते हैं और किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। आखिरी में मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूं। जब ये सारे ऑफिसर्स मिलके बजट को लिखना चालू करते हैं तब एक हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी मतलब जितने भी लोग बजट को लिखना चालू कर रहे हैं उन सबके लिए हलवा बनाया जाता है और उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो किसी से नहीं मिल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, ठीक है? और ये वाला बजट यानी 2020-21 का बजट पहला डिजिटल बजट है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर कोई भी परेशानी या कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर और भी किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।